कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से, इस हीला हवाली वाले रवैये से अगर काम करेंगे तो सालों साल यमुना साफ नहीं हो पाएगी। आदित्य खुद हैं इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से लाइव, और जावेद हुसैन भी मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं। आदित्य, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको कि आपने जो रिपोर्टिंग की है वो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में वायरल है, और अब आपको देखकर बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग करने में फॉलो कर रहे हैं आपको और इंडिया न्यूज़ को। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो तो मैंने देख ली, लेकिन जो फील आपने वहाँ पर रहकर किया होगा, उस माहौल में आप गए थे यमुना में, आसपास झाग, केमिकल्स, किस तरह से क्या आप फील कर रहे थे वहाँ पर उस वक्त, अपने अपने शरीर पर कोई एडवर्स इफेक्ट फील कर रहे थे? हाँ जी जी सर, मैं आपको एक पहले वहाँ की, जब हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ कैसे हम लोग पहुंचे वो स्थिति मैं आपको बताता हूँ। जब वहाँ गए तो क्योंकि पहले से जो बैरिकेटिंग्स किए गए हैं, पुलिस वहां जाने नहीं देती है, लेकिन उस वक्त हमें कोई रोकने वाला नहीं था। हम बहुत आराम से जा चुके थे, हम बहुत आराम से हमने घूम करके किया, और अब जिस तरीके से मीडिया वाले जा रहे हैं उसके बाद वो बैरिकेटिंग्स कोई रोकने वाला भी नहीं है, जिससे क्योंकि जो रोका इसलिए जा रहा था क्योंकि जब लोग पूजा करके, जो हमने तस्वीरों में दिखाई कि जो लोग पूजा करके, या कई लोग तो मृत शरीर जो है वहां पे, डेड बॉडी जो है जानवरों के, या कई ऐसे जो लोग हैं जो वहां पे डालते हैं, उन सबको रोकने के लिए वहां गार्ड तैनात होते हैं, लेकिन हमें गार्ड नहीं मिला। और अब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने भी ये देखा होगा, कभी उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम बहुत आराम से वहां पर गए, हमने पूरा घाट का निरीक्षण किया, पूरे घाट पे हम घूम करके आए। हम जब नाव से अंदर की तरफ गए तो मेरे शरीर पे जो पहला एक जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मैं नाव में बैठा हुआ हूँ और आगे किनारे की तरफ जा रहा हूँ, तो पूरे मेरे शरीर पे जो है वो झाग जमा हुआ है। वो झाग की मैं खासियत बताता हूँ, वो झाग किस तरीके से, जब मैं वहां, जब तक नदी के भीतर था, क्योंकि बीओडी बहुत अंदर में कम है, तो मुझे ये समझ में आया कि बीओडी कम होने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी अंदर की तरफ, जब क्योंकि मैं बहुत लंबी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि वहां पे सांस आ नहीं रही थी, तो मुझे कोशिश मैं कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मैं सांस लू। मेरा जो कैमरा पर्सन अंकुश है, उन्होंने कहा भी था कि जल्दी करिए और जल्दी से हम लोग किनारे पे निकलते हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट करना था, वॉक थ्रू करने थे, लोगों से बात करने थे, तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा रुक जाते हैं कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा वो दम फूलने लगा था, मुझे लगा कि नहीं, अब जो है बाहर चले जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं बाहर आया, तो जब मैं बाहर आया उसके बाद मेरे पूरे शरीर पे, मेरे पूरे कपड़ों पे जो था वो झाग लिपटा हुआ था, और झाग लिपटने के बाद जब मैं वहां से बाहर आया तो मेरे शरीर से अजीब से बदबू आ रही थी। मेरे जो कैमरा पर्सन थे, जो वहां के स्थानीय लोग थे, वो मुझसे थोड़ी सी दूरी बना रहे थे कि नहीं, आपका शरीर जो है थोड़ा सा वो अजीब सा बदबू कर रहा है, आप थोड़े से डिस्टेंस नहीं रहिए। तो हम उस तरीके से मेरा शरीर जो था पूरा का पूरा हुआ पड़ा था। उसके बाद जब मैं वहां से आया तो अब मैं बताऊं, मेरे स्किन पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस स्किन पे मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो वो पूरा जो पूरा नाला जैसा बना हुआ यमुना है, यमुना में पूरे दिल्ली से अनाधिकृत कॉलोनियां हो या अधिकृत कॉलोनियां हो, या जो सेंट्रल दिल्ली में बनने वाले जो लुटियंस के जो कमरे हैं, लुटियंस के जो फ्लैट्स हैं और उनकी कोठियां हैं, वहां पे भी जो गंदगी आती है वो यमुना में जाती है। किसी एक की भागीदारी इसमें नहीं है, हमारी आपकी सभी सभी वर्ग के लोगों की इसमें भागीदारी है। सभी के कपड़े धोने वाले जो सर्फ इस्तेमाल होते हैं, सर्फ के जो पानी है वो वहां जाता है, जो हम साबुन से नहाते हैं, साबुन से सीवर से होता है वो पानी वहां पे जाता है, सबकी जिम्मेदारी उसमें है। लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा तय होती है सरकार की, प्रशासनिक व्यवस्था की, जो उसको ठीक करता है, उसको व्यवस्था को बनाए रखता है। अब जब मैं वहां से निकला तो जब मैंने अपने हाथ धोया तो मुझे चार वॉश लगे पूरे अपने हाथ को धोने में, पूरे चेहरे पे मुझे साफ करने में। जितनी बार मैं धो रहा था ऐसा लग रहा था मैंने साबुन की टिकिया ली है, हाथ में मला है और मैं अपना चेहरा साफ कर रहा हूँ, इस तरीके से पूरा जो फेन था मेरे शरीर में चिपका हुआ था। चार वॉश लगा, समझिए कि नॉर्मल जब हम घर में साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो एक वॉश में ठीक हो जाता है, दो वॉश ज्यादा से ज्यादा लगता है, तीसरे वॉश में वॉश जाकर के मुझे चार वॉश करने में लगे। मैंने एक चीज वहां पे ये महसूस की कि जो बालू के कण, जो पूरे फेन पे एक बालू के कण जैसा दिखाई देता है, दूर से आप देखेंगे तो लगेगा वो बालू या रेत का जो कण है वो है, लेकिन वो असल में जब उसको उठाते हैं और ऐसे करते हैं तो जैसे तैलीय होता है, कोई ग्रीस है, उस तरीके का वो चिपकता है हाथों में, वो बहुत ही घातक जो है वो माना जाता है। अभी मेरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हैं कहीं कहीं पे, मुझे डॉक्टर को दिखवाना है कि बाद में इसके क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, लेकिन छोटे छोटे दाने मेरे शरीर पे जो है वो निकल आए हैं। जो भी लोग वहां जाएंगे वो इस चीज को महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा समय बिताया है, आज भी मैं पूरे दिन वहां पर था, कल भी मैं पूरे दिन वहां पर था, परसों भी पूरे दिन वहां पर था, तो हो सकता है कि बाद में उसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अभी तक मेरे छोटे से दाने हैं जो इचिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल से हैं, कोई किसी तरीके की मुझे परेशानी नहीं, लेकिन देखने में खराब जरूर लग रहा है। उसके बाद जब मैं वहां से लोगों से बात कर रहा था, वहां आप समझिए कि दिल्ली के तरफ
हजारों लोग ऐसे हैं जो वहां आते हैं पूजा करने के लिए। रोज आप जब भी आप घाट पे जाएंगे 10 लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि यमुना है और यमुनोत्री से निकलती है उद्गम स्थल, जब उसका वो है आप संगम में जाके मिलती है। इस बीच में बहुत ही पवित्रता से उनकी पूजा की जाती है यमुना की, पूरे भारत में यमुना के बारे में ऐतिहासिक है। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ।